वाह हजूर वाह, बड़े बड़े निशाने बाज देखे। जहाँ हजूर ने बंदूक की गुलाबी की थी वही डरने वाले शेठ से हो गया। आगे ये भी तो सोचो सरदार किसकी संतान है। तो भाजी राजा साहब जिस जंगल में दाखिल होते थे शेर वो जंगल ही छोड़कर भाग जाता। अरे बाबा मोती बाबू तो खानदान की मर्यादा निभा ही रहे, मगर राजा बाबू ने लुटिया ही डूबा दी। मानते हुस्न की बात करो। सरकार आप अपने छोटे भाई की बुराई नहीं सुन सकते, लेकिन सच सच है आजकल राजा बाबू उन कंगलों की बस्ती में पड़े रहते हैं और आपके खिलाफ उन गरीबों को भड़काकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। इसको कहते हैं घर फूट तमाशा देख। सरकार और मैं सही, आप राजा बाबू का उस चार पैसे की छोकरी से मिलना जुलना तो बंद करवा दीजिए। कस्तूरी हम गिलाजत में हाथ नहीं डालते। सरकार कहाँ आपकी महफिल की ये कमारियाँ और कहाँ वो बस्ती का कीड़ा कस्तूरी। नाम में खुशबू बदन में बदबू। चुप रहो। कस्तूरी और राजा का नाम लेकर हमारे रंग में भंग मत डालो। कस्तूरी तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरा कैनवस महक रहा। छोड़ने की तारीख बस करो, मैं थक गई हूँ। कस्तूरी सिर्फ 5 मिनट और, बस आखिरी रंग भरना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाबूजी चाय? हाँ रख दो। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जी जवाब लेकर जो जाना है। जवाब किस बात का? चिट्ठी का, ट्रे में पड़ी है। बाबूजी किसकी चिट्ठी थी? तुम जान से क्या करोगी? लो चाय पी। लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा था? अगर कोई अच्छी बात लिखी होती तो चिट्ठी फाड़ कर। तुम चाय पी लो, मैं कैनवस तैयार कर। बड़ी तूफानी रात है, तुम्हें कहीं सर्दी ना लग जाए। ये लो मेरा जैकेट पहन लो। लेकिन जैकेट के बगैर आपको सर्दी नहीं लगेगी। अरे वाह, मुझे कहाँ जाना, ये लो। हाँ खाली हाथ मत जाओ। एक दिन खाली हाथ गई थी तो क्या, आपके द्वार से हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही तो जाती हूँ। मैं तुम्हें क्या दूंगा, चांदी के चंद सिक्के कला की कीमत नहीं हो सकते। जवान जवान बड़ी खूबसूरत, जहन में जाए उसकी खूबसूरती। राजा ने मेरी चिट्ठी का क्या जवाब? अरे बीबी जी जवाब देने से राजा बाबू से फुर्सत ही कहाँ है। एक नजर चिट्ठी देखी और रब्बी की ठोकी में। हाँ बीबी जी अब आप मुझे राजा बाबू के कमरे में कभी मत भेजना। ये बेशर्मी की बात मुझसे नहीं देखी जाती। क्या भक्ति है, ठीक ही तो कहती हूँ बीबी जी। अब आप ही कहिए इतने लंबे चौड़े बदन पर कितना सा कपड़ा। जब मैं औरत होकर खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकती तो राजा बाबू तो मर्द है, रोज रोज कैसे देखते होंगे। राम 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 राम। अच्छा अच्छा अब ज्यादा बातें मत मना और चल जाया। तो क्या जाने मजन की बात क्या हो।
यहाँ इस पर? हाँ मैं दो लफ्जों में मेरी चिट्ठी का जवाब लिख देती तो क्या तुम्हारी हाथ दुख जाती? राज, ये कब तक अपने मॉडल्स के भरे भरे शरीरों को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहोगे? बोलो राज, कब तक मेरे सबर का इम्तिहान लोगे? मैं ना आपके यहाँ आने का मतलब समझ सका हूँ और ना आपकी बातों का। एक जमाने में तो तुम खूब समझते थे, बीती हुई यादों का गला तुमने खून दिया होगा, लेकिन वो यादें मेरे दिल में तो अंगारा बनकर चहक रही। बोलो राज, क्या इस जिंदगी में तुम मुझे अपना मॉडल नहीं बनाओगे? मत भूलिए कि आपका हमारा संबंध क्या है। जहन्नम में जाया ऐसा छूटा रिश्ता। अगर तेवर भाभी का रिश्ता छूटा है तो दुनिया में सच्चा रिश्ता क्या होगा? राजा, मैं तुम्हारे भाई की बीवी जरूर हूँ, लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा है कि शादी के बाद उन्होंने मुझे कौन सी खुशी दी है? दौलत जमा करने और शिकार खेलने के बाद उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ बचता है? आज 3 दिन हुए वो जंगलों में जानवरों के पीछे और मैं इस घर की चार दीवारी में कैद अपनी जवानी का मातम कर रही हूँ। आपको ये शिकायत भैया से करनी चाहिए, मुझसे नहीं। मैं तुमसे शिकायत तो नहीं कर रही हूँ। एक कैदी को भी वक्त काटने के लिए कुछ काम दिया जाता है। अगर मैं अपने सोनेपन से घबरा कर तुम्हारे पास आ जाती हूँ तो फिर तुम घबरा क्यों जाते हो? वो दिन याद करो जब तुम मुझसे कॉलेज में कहा करते थे, सीमा मेरा पहला मॉडल तुम्हें बनाना। मुर्दे को कब्र में गाड़ कर खुदा नहीं करते। आप मेरी भाभी, मेरा धर्म आपकी सूरत देखना नहीं, मेरा धर्म आपके चरणों की पूजा करना। क्यों, मेरी सूरत में वो पहले से रंगत नहीं? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ राजन कि मॉडर्न न बन सकूं? राजन, मैं वही सीमा हूँ। राजन, मैं वही सीमा हूँ। मैं चित्रकार हूँ, मैंने जिंदगी में सैकड़ों तस्वीरें बनाई, मैंने खूबसूरती को अपने कैनवस पर उतारा है, मासूमियत को अपने रंगों से जान दी है, लेकिन आप मेरी भाभी और आपको मॉडल बनाकर मैं पाप की भयानक तस्वीर नहीं बनाना चाहता। राजा, चली जाइए, चली जाइए। इस कमरे में कला का राज है, यहाँ वासना का निवास नहीं हो सकता। चली जाइए। आ गए बेटे। क्या घरवार से शिकार ज्यादा प्यारा होता है? माँ, वो डिप्टी कमिश्नर को शिकार का बहुत शौक है और हुकूमत के लोगों के साथ बात रखनी पड़ती है। माँ देखो बेटे, पहले अपना घरवार निभाना पड़ता है। कई कई दिन बहू तुम्हारे बगैर हवेली में कैदियों की तरह गिरी पड़ती है। अब वो दिन गए कि झूठे रख रखावे के लिए यारों दोस्तों पर रुपया पानी की तरह बहाया जाए। माँ तुम ठीक कहती हो, राजा भी तो कोई काम करता नहीं, खानदान की इज्जत का सारा बोझ मुझे को उठाना पड़ता है। मोती, हर बात में राजा का नाम मत लाया करो। वो जो कुछ भी है मैं समझती हूँ, तुम भी समझा करो कि वो तुम्हारा भाई, तुम अपना फर्ज निभा, वो अपना फर्ज संभाल। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या बात? बाबूजी, जब आप बाहर जाते हैं ना तो अंदर सब गड़बड़ हो जाता है। मेम साहब, सीमा,
फातिमा डार्लिंग क्या हुआ, रो क्यों रही है? बताओ ना, बताओ मुझे, मेरे दिल की धड़कनें और ना बढ़ाओ। बताओ सीमा, क्या हुआ, क्या हुआ डार्लिंग, बताओ ना। समझ गया, आज घर आने में थोड़ी सी देर हो गई इसलिए तुम्हारा दिल चोट खाया हुआ है ना। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी। क्या करो, शिकार की पार्टी घने जंगलों में काफी दूर तक चली गई थी, उन्हें छोड़कर कैसे आ जाता। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट। लेकिन डार्लिंग, मुझे तुम किसके सहारे अकेला छोड़ जाते हैं? तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती? बीती? क्या हुआ? बस जिंदगी और मौत में दो कदम का फासला था। सीमा क्या कह रही हो, साफ साफ बताओ ना। अब अपनों की भी क्या शिकायत करूं? घर में किसी ने परेशान किया तुम्हें? तुम्हारे भाई के सिवा और कौन हो सकता है? राजा? क्या किया उसने? नहीं नहीं डाली, मुझसे जबान न खुल पाएगी। तुम्हें मेरी जान की कसम, सच सच बताओ क्या हुआ? वो शराब के नशे में थी, आधी रात को मेरे कमरे में घुस आया। उस वक्त सिर्फ मैंने नाइटी पहनी हुई थी, तो मुझे अपने कमरे में ले जाने के लिए मजबूर करने लगा। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगा सीमा इस लिबास में आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर जी चाहता है कि मैं एक पेंटिंग बना डालूं। जब मैंने ना कहा तो उसने लपक कर मुझे अपने बाहों में ले लिया। अगर उस वक्त चला के मैं गुलाबी को ना बुलाती तो डाले आज मेरी इज्जत। हाँ मालिक, बड़ी मुश्किल से बीवी की जान और इज्जत बची। शराब के नशे में राजा बाबू देवर और भाभी का रिश्ता भी भूल गए। मैं जब बीवी की चीख सुनकर ऊपर आई तो उस वक्त राजा बाबू बीवी जी का हाथ खींच रहे थे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, रुकिए। क्या बात है, इतने रात गए मोती कहाँ चला गया? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। माँ जी क्या बात है? बुलाजी बात यह है कि बात तो घर की है लेकिन कहने के लिए हिम्मत चाहिए। कह दे, जल्दी कह देना, राजा बाबू ने बहुरानी को क्या? अभी तक जाग रहे हो तुम? इंतजार है किसी का? भैया तुम आ गए हो, बहुत अच्छा किया। माना कि तुम्हें शिकार का शौक, लेकिन ऐसा भी क्या शौक जिसमें तुम घर बार और भाभी तक को भूल जाते हो? किसकी भाभी? मेरी भाभी। तुम्हारी भाभी? बेशर्म, भैया के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। टके टके की बाजारी लौंडियों की तस्वीरें बनाकर तुम घर और बाजार का फर्क भी भूल गए हो? भैया ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा कसूर क्या? कसूर? कसूर पूछते हो? कसूर पूछते हो? इंसान की जुबान में समझाता अगर तुम इंसान होते, लेकिन शैतान को किस जुबान में समझाऊं? तो तुम भी उसी मां की कोख से पैदा हुए हो जिस मां ने मुझे जन्म दिया। कैसे छोड़ दूं माँ, इस जलील ने हमारे कर्म धर्म वाले खानदान की जड़ों में पाप का पानी फेर दिया है। मैं तो खून भी जाऊंगा। नहीं मोती, मैं भी जिंदा हूँ, इसे मैं समझ लूंगी। जा, निकल जा यहाँ से। माँ, ये खून भी तो तेरा ही खून है। तुझे अपना खून कहते मुझे शर्म आती, अगर तू मेरा खून होता तो ऐसी गंदी हरकतें ना करता। माँ मर गई तेरी माँ, माँ कहकर इस शब्द का अपमान न कर। देवर के लिए माँ और भाभी में कोई भेद नहीं होता, माँ जैसी भाभी को मुझे बुरी नजर देगा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, चला यहाँ से।
गई तस्वीर नहीं बनाई करते। अब मेरी कला का रास्ता बदल चुका। राजा बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ कस्तूरी, अब कोई औरत मेरा मॉडल नहीं बनेगी। ये देखो, कुदरत ने जानवरों को भी दिल दिया और प्यार की तमीज भी। लेकिन राजा बाबू, इसका खरीदार कहाँ से लाओगे? बाजार में तो शराब और शबाब के ग्राहक मिलते हैं। कुत्ते बिल्लियों के नहीं राजा बाबू, ये लीजिए अपना बंडल, ये मरियल पुट्ठा, ये बहती हुई नाक वाला गंदा बच्चा, ये चिड़िया और चिड़िया का घोंसला, ये सारा माल कोई 25 पैसे में लेने को तैयार नहीं राजा बाबू। लोगों को जवानी की अदा, जवानी की बहार चाहिए, समझे बाबूजी? मैं भी यही पक रही थी कि जिस तरह पैसे के बगैर जेब भली नहीं लगती, उसी तरह औरत के बगैर तस्वीर अच्छी नहीं लगती। ये सच है कस्तूरी, लेकिन औरत एक धोखा है, एक फरेब है, और मैं धोखा फरेब बेचकर अपना पेट नहीं भरना चाहता। दिमाग खराब हो गया राजा बाबू, आप खुद भूखे मारेंगे और हमको भी भूखा मारेंगे। अरे जानी, जाने दो ना जाने वाले को, दिल का सौदा करना है तो हमसे कर लो। सुंदर, आंखें निकालूंगी जो मुझे बुरी नजर से देखा। हाँ। अरे कस्तूरी, तू कहे तो आंखें क्या, कलेजा निकाल के रख दू तेरे कदमों में। सांप काटने आ रहा था, मैंने हाथ पकड़ खींच लिया। सांप? कहाँ है सांप? सांप का बहाना बनाकर हाथ पकड़ते हो? जाओ जाओ, वरना जमा के हाथ रख दूंगी। बनाया सांप से बचाने पर। बाबूजी, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। भगवान करे वो जबान जल जाए जिसने आपको गाली दी। बाबूजी, क्या करूं, गंवार देहातन हूँ, पहली बार शहर आई हूँ, सोचा दिया जलने से पहले अपनी मौसी के घर पहुँच जाऊंगी, लेकिन आंधी झक्कर ने घेर लिया। बाबूजी, भगवान के लिए मुझे मेरी मौसी के घर पहुँचा दो ना। मुझे क्या मालूम तेरी मौसी कहाँ रहती है? नहीं नहीं बाबूजी, मेरे पास पता है। क्या लिखा है इसमें, पानी में धुल गया सब कुछ? मारी गई परदेश में, अब कहाँ जाऊँ? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी सुनिए, बाबूजी मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए, बाबूजी, 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 बाबूजी। अंदर बुलाएंगे। सर्दी लग जाएगी, वो तौलिया पड़ा है, बदन पहुँच लो, सामने को बाथरूम है, चलो चलो। क्या? गुसल खाना है, गुसल खाना। हाँ। बदन पहुँच लो तौलिया लेकर। राजा
बाबूजी, आपके कमरे में इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं? क्योंकि मैं तस्वीरें बनाता हूँ। मगर आपकी तस्वीरों में औरत जात की तो कोई तस्वीर ही नहीं। और कभी होगी भी नहीं। ऐसा क्यों बाबूजी? क्योंकि औरत धोखा और छल की गठरी होती है। ऐसा ना कहो बाबूजी, शायद आपने कभी औरत देखी ही नहीं। बहुत देखी है। तो फिर सिर्फ बुरी औरतें देखी होंगी बाबूजी। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं रहती, वैसे हर औरत एक जैसी नहीं होती। क्या आपने सीता माँ, अनुसुईया, सावित्री का नाम नहीं सुना? सिर्फ नाम सुना है। ये सब पिछले युग की औरतें थी। ये भी ठीक है, मगर बाबूजी वो पिछले युग जैसे मर्द भी अब कहाँ दिखने में आते हैं? न राम, न लक्ष्मण, न अर्जुन, न भीम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी औरत जाति से घृणा करें। अब ये सबक भी तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे, हैं? बाबूजी, अच्छी बात कहने वाली थी, छींक आ गई। कौन सी अच्छी बात है, जरा हम भी सुने। बाबूजी, अब आप जल्दी से शादी बना लें। औरत आपके घर आएगी, आपका दुख सुख बांटेगी, आपके बच्चों की माँ बनेगी, तब आपको पता चलेगा औरत क्या है। अपनी शादी तो हो नहीं सकती, तुमने छींक मार दी। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, कहीं थर्मस में गर्म गर्म कॉफी रखी थी मैंने, मैं अभी लेकर आया। गरम गरम कॉफी सो गई। ऐसे मीठी नींद तो कोई लाखों से भी नहीं खरीद सकता। कोई मासूम दिल ही ऐसे सो सकता। लेकिन बरखा की वजह से बेचारी को रात को स्टेशन पे सोना पड़ा। है तो देहातन, लेकिन हाथ पैर की साफ सुथरी। दीदी जी, गांव में इतना कामकाज करना पड़ता है कि हाथ पांव एकदम मजबूत हो जाते हैं। और फिर आंगन में कुआ है, दिन में चार चार बार नहाते हैं, मैं कहां से रहेगी। अच्छा अच्छा, गुलाबी जी, इसे घर का कामकाज समझा दो, और ये भी समझा दो कि मालिकों के सामने दांत निकाल कर हाथ झटक कर बात न किया कर। जी दीदी जी। मौसी, क्या शहर में गरीबों को हंसने की मनाही होती है?
अरे राधिका नई नई आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा मौसी, मुझे यहाँ कामकाज क्या करना होगा? मालकिन के बच्चे की देखभाल। बच्चा कहाँ है? अरे बाबा, बच्चा अभी 3 स्टेशन पीछे है नी? क्या गाड़ी से आ रहा है? अरे भाई, पहला स्टेशन माँ का पेट, दूसरा स्टेशन अस्पताल और तीसरा स्टेशन माँ की गोद। अगर गाड़ी टाइम से आ भी गई तो भी आने में 5 महीना 10 दिन और लगेंगे। अभी ये कौन है? अरे मैं तो भूल ही गई, ये है तेरे मौसा, जिनका हाथ पकड़कर मैंने अपनी फूल की जवानी बर्बाद कर ली। अच्छा तो ये है मेरे मौसा, शिकारपुर का ब्याज पट्टा। राम राम मौसा। जीती रहो बेटी। अरे तुझे देखकर हम बहुत प्रसन्न होया, हम तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी करेले जैसी मासी की भांजी ऐसी शकरकंदी जैसी होंगी। क्या कहा? अरे मासी काहे को है? मैं जमा रखी है यहाँ। मैं गाड़ा चली कौन है? अरे राधिका, राधिका, अरे ये है हमारे मालिक मोती बाबू, प्रणाम करनी। अभी अलर्ट, रसीला से समझा दो कि मालकों के सामने पत्थर का बुत नहीं बन जाते, मुस्कुराकर पेश आते हैं। अरे राधिका, अरे तू तो सचमुच पत्थर का बुत बन गई। अरे इस बिचारी का क्या कसूर है? अरे इसने गांव में इस डिजाइन का आदमी देखा नहीं होगा। राधिका मौसी, हाँ? ये तस्वीरें बनाने वाले बाबू है ना? नहीं, ये इनके भाई है। एक ही शक्ल के दो भाई? हाँ देख राधिका, मैंने तुझे समझाया है ना कि राजा बाबू का नाम इस हवेली में बिल्कुल मत लेना। राजा बाबू, ये क्या, मैं किसी दूसरे के घर तो नहीं आ गया? हाँ? कहाँ ये नंगे भूखे बच्चे, कहाँ ये चंदा, ये बिजली, औरत की तस्वीर। राजा बाबू, मैं आपका मूंछ हूँ या इस तस्वीर का मूंछ हूँ? सलामत की तलवार साहब, बैठिए बैठिए, कहिए इसका कोई खरीदार मिलेगा? आप क्या फरमा रहे हैं राजा बाबू, ये तस्वीर तो आपकी और मेरी दोनों की नौकरी से दूर कर देगी। सिर्फ एक प्यारा सा नाम रख दीजिए, उसने हाबीदा, स्लीपिंग ब्यूटी, औरत और तौलिया। नाम क्या रखे तलवार साहब, कीमत तो आपकी है। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये नया मॉडल कहाँ से हटने चला है? समझे कि रात की बरसात में ये भी बहकर अंदर चला। भगवान करे ऐसी बरसात रोज हो। राजा बाबू, आप बटुआ मंगा के रखिए, पैसे लाना मेरा काम है। अरे मौसा, चोरी का खाओगे तो मुँह तो चलेगा। अरे राधिका, मुझे चोर कहती है नहीं। अरे बाबा, मैं तो इस घर का फूड मिनिस्टर हूँ, मैं नहीं पकाऊंगा तो घर वाले खाएंगे क्या? तो मौसा, तुम घर वालों को रोज झूठा खिलाते हो? अरे पगली, बिल्ली भी तो श्री रामचंद्र जी को झूठे बेर खिलाती थी। इसलिए? इसलिए कि भगवान राम के मुंह में कोई खट्टा बेर न जाए। हाँ, इसीलिए पहले मैं चख लेता हूँ कि घर वालों के मुंह में नमक मिर्च बराबर का जाए। अच्छी बात बताई। अच्छा मौसा, ये बताओ इसमें राजा बाबू की प्लेट कौन सी है? ओहो राधिका बेटी, इस घर में राजा बाबू का हुक्का पानी तो बंद हो गया। क्यों, ऐसा क्यों? क्या राजा बाबू इस घर के बेटे नहीं है? अरे राधिका, कितनी पुराने कवि की बात है, एक बाप के दो बेटे, किस्मत अलग अलग है। और सच पूछो तो बेचारे राजा बाबू तो मुफ्त में बदनाम है। ये घर है बड़े लोग का, झूठ को सच बना देते हैं और सच को झूठ बना देते हैं। और बेचारे राजा बाबू जैसी पवित्र आत्मा को तो पापी बना दिया है। अरे बाबा, इस घर में बहू बेटी तो क्या, राजा बाबू के कमरे में तुम्हारी मासी भी नहीं जा सकती। राम राम राम, तो भाइयों में इतना भेदभाव? भाई भी जुड़वा। राधिका बेटी, भगवान ने जन्म के समय मोती बाबू के भेजे में दे दी अकल, अकल होती है चलाकी की मासी, और बेचारे राजा बाबू के सीने में दे दिया कोमल सा दिल। अब इस झूठी दुनिया में दिल की कीमत कौन डाले? रसीले, आता हूँ जाता हूँ। ओ केची कॉल करे दिया यारा, वेल हलड़ जाऊं, केची कॉल करे दिया, रे केची कॉल करे दिया यारा, वेल हलड़। बाबूजी, मैं हूँ। मैं कौन? राधिका।
रात वाली। अरे तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? नौकरी पे। पता मिल गया तुझे? अरे बाबूजी, चिराग चले अंधेरा, ये आपकी कोठरी और वो बाप के उस पर मेरे मालिक का घर। अच्छा, वहां नौकरी मिल गई है तुझे? एक तरह से अच्छा ही हुआ। कल की रात मैंने किसी पराये के घर नहीं काटी, अपने मालिकों के घर ही काटी। कौन मालिक? बाबूजी आप, मुझे सब पता चल गया है। अगर मैं मालिक होता तो महल में नहीं रहता क्या? आप वहां क्यों नहीं रहते मुझे ये भी पता है। बातें छोड़ो, पहले नाश्ता खा लो। हवेली से लाइयो, मैं नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खाओगे? एक तो मैं तुम्हारे लिए चोर बनूं और उस पर तुम भूखे रहो। राधिका, जब मेरी अपनी माँ, मेरा अपना भाई, मेरी अपनी भाभी उन्हें मेरी भूख की फिक्र नहीं, तो तू मेरी भूख प्यास की इतनी परवाह क्यों करती? तुम्हें मेरी क्या परवाह पड़ी थी? तुम्हें ठंड में ठिठकते देखकर अंदर बुलवा लिया। बस वही बात है, मैं नौकरी पे जा रही हूँ, खा लेना। बाबूजी, ये मेरी तस्वीर कहाँ गई? भेज दी बाजार में बिकने को। राम राम राम, मुझे बेच दिया? नहीं राधिका, तुझे नहीं बेचा, तेरी एक हल्की सी परछाई को अपनी कल्पना में ढाल कर दी। ये तो शहर की बातें हैं, जहाँ परछाइयाँ भी बिकती हैं। नाश्ता जरूर खा लेना। और तेरे तीन सीमा, कस्तूरी, राधिका। अरे डार्लिंग, आप आ गए। हेलो डार्लिंग। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं है डार्लिंग। ऑपरेशन? बड़ा मामूली सा ऑपरेशन है। नहीं, मुझे डर लगता है। डरने की कौन सी बात है डार्लिंग, मैंने हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नर्सिंग होम और यहाँ का बेहतरीन डॉक्टर का इंतजाम किया। जाने, मैं मौत से नहीं डरती, सिर्फ यही सोचकर काम चाहती हूँ कहीं फिर। नहीं डार्लिंग, मुझे यकीन है कि इस बार ऑपरेशन कामयाब होगा और तुम्हारी गोद में एक चांद सा बेटा खेलेगा। मैंने माता जी को तार भेज दिया, वो यात्रा से जल्दी आएंगी और तुम्हारी देखभाल करेंगी। ये ले कस्तूरी। सिर्फ 15 रुपया? अरे कस्तूरी, दारू का धंधा तो बंद हो गया है, पुलिस ने अलग नाक में दम कर रखा है। ये तो मैं तेरा पहले के साथ दे रहा हूँ, नौकरी कहीं और ढूंढ ले। नौकरी तो मैं दे दूंगा। अरे कस्तूरी, दर पदर मारी मारी फिर रही है, अब भी मान जा मैं तुम्हें नौकरानी नहीं दिल की रानी बनाकर रखूंगा। माँ, बिकाऊ माल समझ रखा है मुझे। मुझे खरीदने वाला जिस दिन पैदा होगा भूचाल आ जाएगा उस दिन। भूचाल तो उस दिन भी आया होगा जिस दिन तुमने बचपन की गली से जवानी के मोहल्ले में कदम रखा होगा। उस दिन का थप्पड़ भूल गया क्या? बंदा, तुझे दादागिरी करते हुए सिर्फ 5 साल हुए, ये मत भूलना कि बस्ती में मेरे जैसे तेरे गुरु भी हैं। जग्गो, ये मेरा और कस्तूरी का मामला है, होने का भी कोई धर्म होता है? पॉकेट मारे, दारू का धंधा करें, लेकिन एक बेबस लड़की को सताना ये धर्म नहीं। जा अपना रास्ता ले, जा जा अपना रास्ता ले। चलो कस्तूरी। जब तक राजा बाबू का सहारा था ये बस्ते वाले मुझसे डरते थे, लेकिन अब तो सारी बस्ती की आंखें उंगली मुझ पर उठती है। तो आजकल बेकार है क्या? हाँ चलता था, एक मैखाने में नाच कर गुजारा चलता था, वो भी बंद हो गया। कस्तूरी, अगर इरादा हो तो तुम्हारी नौकरी के लिए छोटे सरकार से मैं बात करूं। लेकिन उन्होंने मॉर्निंग बंद कर दी। नहीं कस्तूरी, अभी थोड़ी देर पहले वो तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे अगर कस्तूरी मुझे मिल जाए तो मैं फिर से तस्वीरें बनाना शुरू कर दूं, अपनी खोई हुई दुनिया फिर से बसा लूं। बिल्कुल सर, तुम यहाँ ठहरो, मैं राजा बाबू को देख कर आता हूँ। चकु भैया, राजा बाबू यहाँ कब से रहने लगे? जब से तुमने उनका दिल तोड़ा है, मैं अब यहाँ। हजूर,
आज खाली हाथ आया हूँ। खाली हाथ आया हूँ लेकिन खाली हाथ जाऊंगा नहीं। वो कपड़ा लाया हूँ कि शराब की पट्टी एक तरफ और उसका नशा एक तरफ। अच्छा, ऐसी चीज कहाँ से ढूंढना है तुम? हुजूर, चीज तो आपकी भी जानी पहचानी है। राजा बाबू कस्तूरी को देखा होगा आपने। कस्तूरी तो राजा के हुजूर मान उसी का जो मंडी में बढ़कर गोली लगाए। और फिर मैंने कौन सा उसे कहा है कि वो हुजूर से मिलने आई है। वो तो अपने राजा बाबू से मिलने आई है। समझा। फिर तो दो घड़ी के लिए आप राजा बाबू बन जाइए। कस्तूरी को जरूरत है अपने खोए हुए प्यार की। आपको जरूरत है नए नए शिकार की। तो हुजूर बुलाऊंगी। बुलाओ। और ये सब चीजें यहां से ले जाओ। राजा को इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं। जी सर। कस्तूरी, राजा साहब तुम्हें याद करा। हाँ जाओ जाओ। राजा बाबू। आओ कस्तूरी। राजा बाबू, आज पति क्यों धीमे से है? इसलिए कि तुम मेरी आंखों में शर्म ना देख सको। तुम्हें ठुकरा कर पछता रहा हूं मैं। नहीं राजा बाबू, आप तो शराफत में मारे जाते हैं। मेरे बदन का तो रोम रोम आपका है। आपके रंग और मेरा बदन अगर दोनों मिल जाए तो हम दुनिया को खरीद सकते हैं। नहीं कस्तूरी, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारे बदन को अपना बदन समझता हूं। फिर इस बदन को दुनिया के हाथों कैसे बेच सकता हूं? राजा बाबू, मैं तो समझती थी आपको मुझसे नफरत हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कस्तूरी? एक ही तो चीज है दुनिया में जिससे मैंने प्यार किया है। राजा बाबू, तो फिर आप इतने दिन चुप क्यों रहे? प्यार का लावा कोई लाख दबा ले, एक दिन तो फूट ही पड़ता है कस्तूरी। आज आज तुमने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया कस्तूरी। राजा बाबू, इसे आगे कुछ न कहिए। जाने दूंगा, छोड़ भी दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा कस्तूरी, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं अपने प्यार की तस्वीर में रंग भरूंगा कस्तूरी। आज क्यों, आज कोई मोटी मुर्गी हाथ लगी? सारा शहर खरीद लाई है। तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठता है? कमाती हूँ खाती हूँ। एक तो हराम का खाती है और ऊपर से अकड़ती है। कस्तूरी, तेरे ये लक्षण देख देख कर बस्ती की दूसरी लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। बाप की कमाई करनी है तो ये बस्ती छोड़कर कोई और ठिकाना कर ले। चौधरी, कौन करता है बाप की कमाई? मैं राजा बाबू के पास गई थी। राजा बाबू ने मेरी तस्वीर बनाई, मुझे रुपए दिए और उसी रुपए से मैं ये सामान खरीद कर लाई हूं। तो राजा बाबू के पास गई थी? नहीं कस्तूरी, अपनी गंदगी की चादर में उस शरीफ आदमी को क्यों लपेट रही है? राजा बाबू तो कब से तेरी कोठरी में बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। राजा बाबू, ये कैसे हो सकता है? राजा बाबू, आप और यहाँ? मुझे तेरी झोपड़ी में आने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत? नहीं नहीं, नहीं। अरे तो घबराई हुई से क्यों है? मैं तो सिर्फ तुझसे ये कहने आया था कि मैंने फिर से जिंदगी की खूबसूरती यानी कि हुस्न और जवानी की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी हैं। अब तो भटकना नहीं पड़ेगा।
फिर से तेरी जरूरत है। मैं राजा बाबू, मैं तुम्हारी तस्वीरों के काबिल नहीं। ये सच है कि औरत धोखा है, फरेब है, लेकिन मर भी कुछ कम नहीं होते। पागल तो नहीं होगी राजा बाबू? ये पागल होगी, ये तो दुनिया को पागल बना दे। आज इधर इशारा उधर, सुबह यहाँ शाम वहाँ, भला इसे पूछो तो सही ये डबल रोटियाँ, ये मक्खन, ये कीमती लिबास कहाँ से आते हैं? मैं अपना शरीर बेचती हूँ, ये कहना चाहते हो ना? हाँ बेचती हूँ, बेचती हूँ, लेकिन तुम जैसे कुत्ते को मुंह नहीं लगाओगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया कस्तूरी? नहीं राजा बाबू, मैं गिर गई हूँ राजा बाबू, लेकिन अपनी गिरावट को अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, चले जाइए यहाँ से। मैं समझ लूँ कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है। नहीं कस्तूरी, बात कुछ और है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही, परेशान है, आराम की जरूरत। मैं तुझे फिर मिलूंगा। राम राम माता जी, चल सामान निकाल दे। तुम्हारा बेटा राजा तुमसे मिलने भी नहीं आया थी। वो समझता है उसकी मां मर चुकी है। भगवान ने चाहा तो राजा के दिमाग में अकल आने में जरा देर लगेगी, लेकिन रानी का मालकिन है, मालकिन माँ। ये नई नौकरानी है घर में काम काज के लिए। बहू कहाँ है? कहाँ वो स्विमिंग पूल में होगी माँ। लाओ मुझे दो, मैं अभी भेजता हूँ माँ, अभी भेजता हूँ। भगवान आपके कृपा से मेरी यात्रा सफल हो। बहू, बहू कहाँ हो? माजी आप आ गए, कैसे रही आपकी यात्रा? काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके जीवन सफल हो गया। ओह, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बहू? क्या बताऊँ माजी, जिसके पीछे राहु केतु हाथ धोकर पड़े हुए हो उसकी तबीयत क्या होगी? ठीक, चुप चुप बोला कर। माजी डॉक्टर ने कहा है इस बार फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? तेरा मतलब है संतान होने के वक्त? जी माँ जी। फिर चिंता न कर बहू, ये ले, ये विश्वनाथ जी का प्रसाद है, तेरे सब दोष दूर हो जाएंगे। रसीले गुलाबी तुम भी प्रसाद लो। माता जी ये काशी विश्वनाथ का प्रसाद है। नहीं जल्दी जय 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 काशी विश्वनाथ, जय शंकर भोलेनाथ, जय जय। तुम भी लो नहीं, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे साथ की ब्याहियों की गोद में तो दो दो मुन्ना है और तुम अभी तक टूलेट का भोल लगा के फिरता है। देखो माजी ये खेल रहे हैं। अरे तुमसे खेल नहीं करेगा तो क्या गली मोहल्ले के लड़कियों से करेगा? माता जी इसको मत डालो नहीं, ये पहले ही से हमको सच की नजर से देखती है। मर्द का सुसुर होना भी पाप है। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? राधिका। राधिका, बड़ा सुंदर नाम है। ले बेटी तू भी प्रसाद ले। माँ जी थोड़ा प्रसाद और दे दीजिए ना। बेटी ये प्रसाद है, थोड़ा क्या ज्यादा क्या।
नहीं, वो छोटे कुंवर के लिए। राजा के उस पापी को देवी देवताओं का प्रसाद देने का क्या अधिकार है? प्रसाद की जरूरत धर्म वालों से ज्यादा पापियों को होती है। थोड़े से गंगा जल से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या धुल जाएंगे उसके पास? क्यों नहीं, माँ की आशीष और भगवान के प्रसाद से दुनिया इधर की उधर हो सकती है। बेटे बाबूजी, बाबूजी में जो मजा आया वो छोटे सरकार में नहीं है राधिका। अच्छा तो बाबूजी से मैं आपके लिए शुभ समाचार लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। क्या? माता जी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए हैं। आए होंगे बाबूजी, ऐसा लगता है जैसे आपको ये समाचार सुनकर खुशी नहीं हुई। घर के सारे लोग माँ जी के आगे पीछे घूम रहे हैं, आप भी जाकर उनके चरण की नहीं छू लेते। राधिका तू नहीं समझे, मैं उस हवेली में पैदा जरूर हुआ था लेकिन मेरा असली ठिकाना यही है। वो हवेली तो एक मंदिर है और मैं गुनाहों के एक मूरत हूँ। तो फिर प्रसाद खाकर गंगा जल पी लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तू भी मुझे पापी समझती है? बाबूजी गुस्सा किस बात का, आप अपने मुँह से तो कह रहे हैं। ये तो दुनिया के शब्द है, मैं सिर्फ उन्हें दोहरा रहा हूँ। हाँ बाबूजी, आपके भाभी और भैया तो आपको पापी ही समझते हैं, और तो और माँ जी के कान भी भरते रहते हैं। भरने दो और ले जाओ गंगा जल को, इस प्रसाद की मुझसे ज्यादा उन लोगों को जरूरत है। नहीं नहीं बाबू जी, गंगा जल तो सबके लिए होता है, पापी के लिए भी और धर्मात्मा के लिए भी। चलो मुँह खोलो। जिद मत करो राधिका। देखो मुँह खोलो, गंगा जल का अपमान नहीं करते। लो अब तुम्हारे सब पाप खुले, जो किए थे वो भी तो नहीं किए थे वो भी। राजा बाबू यू कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। लड़का हुआ है क्या? अरे अगर मेरे घर लड़का पैदा होता तो मैं अपने आप को मुबारकबाद देता, आपको नहीं। ये देखिए 5,000 का चेक, आपकी तस्वीर की कीमत। तलवार साहब मेरी तस्वीर बिकी? बाबू जी क्या तस्वीरें 5,000 की बिकती है? अगर तस्वीर तेरी तो बाबू जी आप रोज मेरी 10-20 तस्वीरें बना दीजिए ना। अगर तूने साथ दिया तो ऐसे ही। अरे देवी जी आप तो हमारी अन्नदाता यानी अन्नदाती हैं। अच्छा राजा बाबू ये चेक संभालिए और हमारा कमीशन और दूसरी तस्वीर तैयार रखिएगा। नमस्ते। बाबू जी आप इतने सारे रुपए कैसे खर्च करेंगे? अरे ये तो बहुत कम है, मेरा सपना तब पूरा होगा जब लाखों की रकम मेरे हाथ आएगी। इतना लंबा क्या है सपना? गरीबों की एक बस्ती है जिससे मुझे प्यार है, जिस दिन उस बस्ती की गलानत और गंदगी दूर हो जाएगी, वहां के नंगे बच्चे उजले उजले कपड़े पहनकर स्कूल जाना शुरू कर देंगे, मैं समझूंगा कि मेरी कला का सपना पूरा हो गया। बाबूजी, अब मैं समझी आप हवेली से क्यों निकाले गए हैं। ऐसे अच्छे काम के लिए आप चाहे तो मैं अपनी नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राधिका तू तो मेरी डोलती हुई कल्पना का सहारा बन गई। राधिका जी मालिक कहाँ गए? अच्छा अब झूठ बोलना भी आ गया? नहीं मालिक। नहीं मालिक, इसके सिवा और कुछ भी आता है? सच सच बता कहाँ से आ रही बता। अरे बुद्धू सच सच क्यों नहीं बता देती कि बस्ती में मेला देखने गई थी। हाँ मालिक मुझसे पूछ के गई थी। गुलाबी जानती नहीं बस्ती में राजा का आना जाना है, इसे बस्ती के रास्ते पर मत डाल। बस्ती राजा को ही अच्छी लगती, अगर राजा का साया इस पर पड़ गया तो इसे हाथ धोने पड़ेगा। जी मालकिन। और सुन रही मुझे पूछे बगैर अगर तू घर से गई तो छुट्टियां पकड़कर गांव भेज दूंगी बस्ती वाली। मैंने बात वो तोड़ दी, मैं तो आज नौकरी गई थी, अब बता कहां जा रही है? अरे मौसी जहाँ गई थी वहीं से आ रही हूँ। समझ गई, तो राजा बाबू अब देवता हो गए। मालूम होता है राजा बाबू ने तुझे प्यार के हरे हरे बाग दिखाए हैं,
ये हरे हरे बाग तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहली बात कुछ कुछ। अरे मूर्ख, मैं नहीं कहती कि प्यार व्यार कोई पाप है, लेकिन अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। गरीबों की सुंदरता अमीरों के हाथ का खिलौना है, खेला खाला तोड़ डाला। कल जिस बात के लिए पछताना पड़े वो बात आज करनी ही क्यों। नहीं नहीं मौसी, राजा बाबू ऐसे नहीं है। अगर वो ऐसे होते तो महलों की संतान होकर झोपड़ी वालों के साथ क्यों रहते। मेरा काम तो तुझे समझाना है, ये क्या एक ढकोसला है। मौसी, अपने अपने मानने की बात है, प्यार परमात्मा भी तो हो सकता है। बाबू और मोती बाबू में तमीज ना कर सके। उस रात एक पाप ने जन्म लिया था और अब उस पाप पर पर्दा आपको डालना होगा। कौन सा पाप? मोती बाबू, आंख मत छुराइए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लड़की, अपनी औकात बयान, हमारी इज्जत खेलने की कोशिश मत कर। अमीर गरीब की इज्जत से खेल सकता है और गरीब को फरियाद कभी हक नहीं। मोती बाबू, जो आग आपने मेरे जीवन में लगाई है, उस आग में मेरे साथ साथ आपको भी जलना होगा। हमें तुमसे हमदर्दी है, अगर तुम चाहो तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के परवरिश के लिए इंतजाम कर सकते हैं। मोती बाबू, आपने मेरी इज्जत लूटी है, मैंने इज्जत बेची नहीं जिसकी धार चुका रहे हैं। कस्तूरी, तुम किसकी तरफदारी करने आए? मोती बाबू के नहीं, कस्तूरी, इस बात में मेरा भी हाथ है। मोती बाबू, कस्तूरी गरीब है, मासूम है, इस पर जो जुल्म हुआ है उससे आप नहीं बैठ सकते। समाज में हमारा दर्जा बहुत ऊंचा है, अगर हम शादीशुदा ना होते तो कस्तूरी से आज ही शादी कर लेते। मोती बाबू, झूठी तसल्लियों से आप एक गरीब के आंसू नहीं पहुंच सकते। आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे दुनिया वाले कस्तूरी को आवारा और बच्चा लेना समझे। कस्तूरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कस्तूरी, इनकी वासना की भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें फुसला कर लाया था, लेकिन आज तुम्हें अपनी बहन मानकर वचन देता हूं कि तुम्हारा इंसाफ करके रहूंगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि इनकी मान मर्यादा से खेलूं। बहन माना है तो भाई की तरह वादा निभाना। जग्गू, हुजूर, हम समझते हैं कि हमारी हवेली की इज्जत खतरे में है। हुजूर, नागन डसने आ रही थी, उसका रुख मोड़ दिया, लेकिन हुजूर ये कमीनी कभी भी आपकी इज्जत से खेल सकती है। हमारी आदत है च्योटी के पर निकलने से पहले ही हम च्योटी को कुचल देते। जी हुजूर। बाहर क्या काम? काम
तो कोई नहीं था, अंदर जरा गर्मी लग रही थी, बाहर हवा खत्म हो गई। गाड़ी कहाँ? मालकिन अस्पताल में, हम घर में अकेले अच्छा नहीं लगता। कहा भी किसी ने ठीक नहीं किया, तुम ऊपर चले जाओ ना, चादर वादर ठीक कर देना। मालकिन बहुत खुश होंगी जानकर कि तुम हमारी इतनी देखभाल करती हो। बहुत ही मासूम हो, बिस्तर लगाने में इतनी घबराहट। जी बाबूजी, भूल चूक माफ करना, हम लोग तो दरी बिछाकर हाथ का तकिया बनाना जानते हैं। ये चादर तो ये नहाकर फिसल फिसल जा रही है। तुम्हारी मालकिन तुम्हें बहुत चाहती है, आज अस्पताल में भी तुम्हारी तारीफ करनी थी। बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, छोटों की भी तारीफ करते हैं, आखिर वो तेरी मालकिन और मैं नौकरानी। लेकिन हम तुम्हें नौकरानी नहीं समझते, तुम्हें तो किसी के दिल में शहजादी बनके रहना चाहिए। बाबूजी इससे ठीक हो गया ना? बाबूजी ये हार तुम इसे अपने पास रख लो। नहीं बाबूजी। शायद ये नेकलेस तुम्हारे लिए ही बना था, वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें जेवर की जरूरत नहीं, लेकिन ये सोनी गर्दन तुम पे चचती नहीं। बाबूजी मेरे पास कल की माला है चांदी की। हीरे को हीरा ही पहनना चाहिए। आप सुन रहे बाबूजी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ दीजिए बाबूजी, मेरा हाथ भगवान के लिए छोड़ दीजिए। पगली, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें ये हसीन मौका मिला, इसे क्यों खो देना चाहती हो? आज हमने तुम्हारा हाथ थामा, जिंदगी भर साथ ही निभाएंगे। कितनी प्यारी सेज है, थोड़ी देर आराम कर। पहले मेरी जान ले लो। भाभी नर्सिंग होम हमारे खानदान के नाम लेवा को जन्म देने गई है, और आप? मैं आपसे किसी जवाब की उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान ने जानवर और इंसान में कोई फर्क जरूर रखा। देखिए कि आपने आज हवेली के लोगों को पता तो चलता कि मोती बाबा। नहीं राधिका, नहीं, मैं इस घर का ठुकराया हुआ जरूर हूँ, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि मैं भी इस हवेली की एक ईंट हूँ और मोती भैया मेरे भाई। नहीं नहीं, मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। राजा मेरी औलाद है, वो इतना नीच काम नहीं कर सकता। तुम्हें अपने खून पर विश्वास संभाल, लेकिन मैं सच्चाई का पर्दा कैसे डाल सकता हूँ? राजा ने मेरे सामने बगैर किसी शर्म हया के उस नौकरानी के साथ प्यार का दावा किया है। माँ ये आज उस घर में काफी दिनों से सुलग रही है। एक दो टके की छोकरी उसकी ये मजा कि वो ठाकुरों के साथ खेले, मैं इस आपा भी ठंडा की। नहीं माँ, नीच लोगों के मुंह लगने से अपनी बदनामी होती है, घर
की बात है, उसे घर में रहना चाहिए। मैं खामोशी से उस नागिन को घर से निकालने की सोचूंगा। मुझे बेटे, जो कुछ करना है जल्दी करो, ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी माँ, नहीं बढ़ेगी। क्यों राजा बाबू, अपने आर्ट की नुमाइश के लिए इस होटल की आर्ट गैलरी कैसी रहेगी? जगह बहुत खूबसूरत है तलवार साहब, लेकिन लोग इतनी दूर आएंगे क्या? जनाब, एक भूखा आदमी रोटी की तलाश में मद्रास से बंबई और बंबई से मद्रास जा सकता है, तो क्या आर्ट का प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए शहर से 7-8 मील दूर नहीं आ सकता? और सबसे पहले तो आपकी भाभी आएंगी। आपने उन्हें निमंत्रण भेजा है क्या? सिर्फ आपकी भाभी को ही नहीं, भाई को भी। फिर तो वो तस्वीर औरत तेरे 3 रूप एग्जीबिशन से निकाल दी जाए। वाह राजा बाबू वाह, वही तस्वीर तो नुमाइश की जान होगी। मेरी लॉटरी निकली होती तो मैं ही उसे खरीद लेता। राजा बाबू ये देखिए हमारी मौत का संदेशा। तो मोती भैया ने आप लोगों को बस्ती खाली करने पर नोटिस किया? जी हाँ राजा बाबू, हम गरीबों के सर से छिपने जा रहे हैं राजा बाबू। लेकिन सिर्फ एक भाई की मर्जी से बस्ती खाली नहीं हो सकती। चलो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोती भैया, मेरा बरसों जैसा सपना पूरा हो गया। जहाँ आज एक गलीज बस्ती है, वहाँ कुछ दिनों में एक आलीशान होटल होगा। और जहाँ रात दिन मच्छर भिन बनाते हैं, वहाँ ऑर्केस्ट्रा के नगमे होंगे। लेकिन भैया, आपने ये नहीं सोचा कि उन नगमों में कितने बेसहारा बेघर लोगों की आहें भी होंगी? क्या कह रहे हो तुम? सिर्फ ये कि उस बस्ती वाली जमीन में आधा हिस्सा मेरा भी है। मुझे कब इनकार, होटल में आधा हिस्सा तुम्हारा भी होगा। लेकिन वो होटल तो बनेगा ही नहीं भैया। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें बिजनेस की कोई तमीज नहीं, आखिर उन कंगों से तुम्हें इतना प्यार क्यों है? क्योंकि वो प्यार के काबिल हैं भैया, क्योंकि वो प्यार का जवाब प्यार से देते हैं, एक ऐसा प्यार जिसकी आपको कोई तमीज नहीं। राजा, आज इस हवेली में चरण डालने की क्या जरूरत है? मां, मैं अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से आया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मैं बताता हूँ माँ, राजा को जायदाद का आधा हिस्सा चाहिए। क्यों, तेरी माँ मर चुकी है क्या, जो भाई से पुरखों की जायदाद बांटने आया था? नहीं, माँ 100 बरस जी है, लेकिन शायद माँ के लिए उसका उसका बेटा मर चुका है। क्यों मेरी कोख को गाली दे रहा है? माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं होती। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू जिंदगी में सीधी राह चलना सीख, अपना घर बार बचा, अपने भाई की तरफ देख जो पुरखों का नाम रोशन कर रहा है, और फिर एक नजर अपने पर डाल कि तूने अपने बड़ों की इज्जत पे क्या क्या तालब पोती है। माँ, भैया इस हवेली के सूरज है और मैं ग्रहण, यही ना? मुझसे क्या पूछते, अपने आप से पूछ, दुनिया से पूछ। चलो माँ, इसे मुंह लगाकर और जी मत जलाओ, चलो। मन में प्यार ही प्यार है, एक दिन ये दुनिया जान जाएगी। दुनिया क्या जानेगी, यही कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया आज वो भी मुझे नहीं पहचानती। अब मेरा संसार में कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। तुम भी तो आज बहुत दिनों के बाद आई हो। क्या करती है,
छोटी मालकिन को पता चल गया मैं यहाँ आती जाती हूँ। तो फिर आज क्यों आई? छोटी मालकिन अस्पताल में है इसलिए चली आई। मैं राधिका, मेरा दिल जल रहा है। मैं जिंदगी में नफरत के इतने थपेड़े खा चुका हूँ कि अगर कोई दो मीठे बोल प्यार के भी बोल दे तो मुझे डर लगने लगता है। पापा जी, डर मुझसे? जब बच्चे की दूसरी कुंवारी लड़कियां कस्तूरी की गोद में बच्चा देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? अरे भाई, तलैया भी तो एक ही मछली से गंदी होती है। क्यों ना इस बात की गठरी को अभी से ठिकाने लगा दे। ठीक कह रहे हो काका, तो फिर नेक काम में देर कैसी, जल्दी चलो चौधरी जी। चंपा भाई दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। क्या हुआ? बधाई हो आप लोगों को। बाप की बधाई हमें क्यों? लड़के के बाप का नाम पूछो जाकर। लड़के के बाप का नाम मैं जानू नहीं। वो होगा तुम में से कोई एक। क्या कर रही है? फैसला करो, चले जाओ यहाँ से। मैं हर लोग किसी गरीब का मजाक उड़ाएंगे। मुझे अफसोस कि वक्त से पहले बेजान बच्चा पैदा हो। डॉक्टर मोती बाबू, इसकी सौ कोई चारा ना था। अगर ऑपरेशन ना किया जाता तो आपकी बीवी की जान चली जाती। हाँ, एक बात और याद रखिए कि आज के बाद आपकी बीवी कभी मां ना बन सकेगी। अरे चुप हो जा नाथ से। मरे तेरी माँ, कैसे तुझे माँ मिली है? इसे चुप करा ना, इसकी पेंटर से सारे कान सब गए। अरे कितने कठोर है तू, इस मुन्ने से जान को इतनी बुखार चढ़ी है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? अरे रो तो रहा है अपनी कुंवारी माँ को, जो इसे छोड़ कर दायल अपने धंधे पे गई है। आ जाले तो मैं देख लूंगी। कस्तूरी, उठाइए अपनी पाप की गठरी और छोपड़ी खाली कर दे। मैं क्यों खाली कर दे? तुम चले जाओ ना धर्मात्मा की बस्ती में। अपनी इज्जत बेचती है और दूसरों की पगड़ी उछालती है। अरे चौधरी जी, ये रोज रोज की बकबक क्या? पकड़ो उड़ा दो तीन रेस कमबख के। माँ, मुझे पहचानो, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, बल्कि इसलिए कि मेरा बच्चा बीमार है। मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए जीना है माँ। समझती है गिरजे में छुप कर बच जाएगी, आज इस गिरजे से तुम्हारी जान ही निकलेगी। देख कह रहे हो, मारो राजा बाबू। आज आप बीच में मत पड़िए, आज हम बस्ती की इस गंदगी को ठिकाने लगाकर ही रहेंगे। लेकिन इसका कसूर क्या है? कसूर सुनना चाहते हैं आप? तो सुनिए, ये शरीफों की बस्ती में रहकर अपना शरीर बेचती है, हम इसके पापी शरीर के टुकड़े ही करके छोड़े। अगर ये बात है तो इसको सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन सोचने की बात है कि अपने गर्ज के लिए इंसान क्या कुछ नहीं बेचता। चार पैसों में लोग अपना ईमान बेचते हैं, अपना जमीर बेचते हैं। मुल्ला और पंडित अपने मजहब के नाम पर खुदा और भगवान को बेचते हैं। जिसने अपने आप को बेचा तो कौन सी बड़ी बात है? और अगर ये सच है तो कौन जाने कसूर किसका है, बेचने वाले का या खरीदने वाले का? राजा बाबू, एक वैश्य की तरफदारी मत करो, आज हम इस नहुसत का खात्मा करके ही छोड़ें। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन कस्तूरी पर पहला पत्थर वो फेंकेगा जिसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। है आप में से कोई जो
कदर गिरजे के सामने सावन खाना खाए जो उसने जिंदगी में कभी कोई बेईमानी नहीं की, कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई पाप नहीं किया है। कोई पाप जान बचा दी। ना जाने ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा बच्चा बीमार था, उसकी दवा के लिए उसके बाप के पास पैसा। तुम्हारे बच्चे का बाप, तुम्हारा पति कसूरी कौन है? वो कौन है? वो राजा बाबू, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे जल्दी दवा नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। पूछा कुछ तुम्हें जवाब कुछ और, कौन है वो? दवा कहाँ से आएगी? ना जाने क्या बनेगा मेरे मुन्ने का। तुम घर जाओ बच्चे के पास, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। लेकिन लेकिन कहीं फिर वो लोग। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। अगर तुमने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया तो कोई भी तुम्हारी जान का सौदा नहीं कर सकता। घर जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, तब तक बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चार चार घंटे बाद ये दवा देते रहना। थैंक यू डॉक्टर साहब। नॉलेज सुन रखा है, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। लेकिन राजा बाबू, मेरे जान बचाई और मेरे कस्तूरी और तेरे भगवान उसका पति होता है। मैं कहता हूँ तू मुझे उसका नाम बता दे, मैं तेरे भगवान को तेरे कपड़े में लाकर रख दूंगा। मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ राजा बाबू, अपनी इज्जत तो गवा चुकी हूँ, दूसरों की इज्जत उछाल नहीं सकती। मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, मैं विनती करती हूँ। वंडरफुल राजा बाबू, चित्रकारी के मैदान में पुरानी जगत से हटकर आपके अपने लिए नई राह खोल रही हूँ। हर किसी की अपनी अपनी कल्पना होती है, लेकिन घिसी पिटी कल्पना से आपने बगावत की है। थैंक यू। राजा मुबारक हो, माफ करना मेरे भैया तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं आ गई। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा भैया नहीं आया, मेरी तस्वीरें देखकर तो वो काया ही रहे। आइए, शायद आपकी नजर में मेरी दिन रात की कोशिशों की कोई कीमत हो। क्यों नहीं, मुझसे ज्यादा तुम्हारी आर्ट को कौन समझ सकता। शायद आपको ये तस्वीर पसंद नहीं आई। मालूम होता है राधिका तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गई। जी हाँ, उसकी सादगी और उसकी सुंदरता ने कुछ ऐसा जादू किया है कि मैं सारी जिंदगी सिर्फ उसकी कल्पना लेकर सैकड़ों हजारों तस्वीरें बना सकता हूँ। क्योंकि लोग तो पत्थरों को भी पूछते हैं, और फिर राधिका बेचारी चलती फिरती जीती जागती मूरत है। अरे हाँ, वो तुम्हारी शाहकार तस्वीर कहाँ है? और इसके तीन हूँ जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। आइए मेरे साथ। भूख, पवित्रता, बकवास, ये आर्ट नहीं गंदगी है, ये चित्रकारी नहीं तुम्हारी दिमागी अय्याशी। मैं न जानती थी कि तुमने मुझे मेरी ही नजरों में जलील करने के लिए यहाँ बुलाया था। अगर ये आर्ट है तो कलाजत किसका नाम है? आर्ट का सहारा लेकर तुम अपने सीने में दबी हुई ख्वाहिशों की नुमाइश कर रही हो। Hey, with your ideas and with you. राजा बाबू, ये क्या तूफान है? कई लोग आईने से नजरें नहीं मिला सकते। तलवार साहब, हकीकत और सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। राजा
बात क्या है? वो इस घर की नौकरानी है या मालकिन? बीबी जी, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? मैं तो इस घर के टुकड़ों पे पलती हूँ, लेकिन ख्वाब तो ये देख रही है कि एक दिन हम तेरे टुकड़ों पे पले। सीमा, क्या बात? आप क्या जाने घर में क्या होता है बाहर? मैंने तुझे इस घर में नौकरानी रखा अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, लेकिन तेरे इस घर में ऐसे मलहूस कदम पड़े कि मेरे माँ बनने का अरमान पूरा न हो सका। तो इससे मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, तूने तो अभी दुनिया देखी नहीं। राजा की आर्ट गैलरी तो तेरे तस्वीरों से यूं ही भरी पड़ी है। बोल, तू राजा को चोरी छुपे क्यों मिलती नहीं? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल भी नहीं तो ये काम सब जान। सीमा, हाथ नहीं उठाते। मोती बाबू, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मोती बाबू, भनक तो हमारे कान में ही पड़ रही थी कि आपकी नौकरानी आपके भाई राजा के मुंह लगी हुई है। सुन लिया, बात घर से निकलकर बाजार तक पहुंच गई। मिसेस मोती, आप दो टके की छोकरी के मुंह क्यों लगती हैं? धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। जी तो चाहता है इसे यही जिंदा पाड़ दूं, पर किसी पर हाथ उठाते हुए अपना दिल कांपता है। हाथ उठाने में तो कोई कसर बाकी नहीं रखी। जान से मारना है तो मार डालिए ना। बेशरम, एक तो अपनी इज्जत बेचती है और ऊपर से आंखें दिखाते हैं। छोड़ दीजिए गुलाबी, कहाँ से उठाकर लाई सीखने को? निकल गया, मैं आज ही गांव भेज दूंगी। आइए मोती बाबू। मुबारक हो राजा बाबू, मुबारक हो। पहली नुमाइश में ये कामयाबी तो आज हो जाए दशक। जी नहीं साहब, आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है। कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो आज मेरी तस्वीरों की आत्मा, मेरी कल्पना जब मेरी कामयाबी की खबर सुनेगी, ना जाने खुशी के मारे उसका क्या हाल होगा। राधिका, ये देखो सब नोट ही नोट, सब तुम्हारे बदौलत। अरे तुम छोटे सर, कहा ये राधिका की श्रद्धांजलि है। राधिका, लेकिन वो गई कहा? वो तो मुंह लगा के बात क्या कर रहे, बताना कहाँ गई? सर कहा वो तो अपने गांव चली गई। गांव? क्या बक रहा है? छोटे सर कहा, छोटे पंछी की उड़ान कभी बड़ा पंछी नहीं देख सकता। वो अपनी खुशी से नहीं गई, बल्कि मजबूर करके उस घर से निकाला गया। किसने निकाला? बहू रानी ने। बड़े घर में उसका वो अपमान किया, उसको ऐसे ऐसे शब्द बोले, बड़े हम अपना मुंह से कैसे बोलेगा सरकार? उनसे और कुछ ना बन पड़े तो बेचारी बेजुबान तो बरस पड़ी है। लेकिन राधिका वापस आएगी, जरूर आएगी। अगर महल में उसके लिए जगह नहीं है तो यहाँ उसके लिए जगह है, जरूर है। राजा बाबू, कहाँ की तैयारी है? तलवार साहब, राधिका वापस अपने गांव चली गई है। राधिका गांव चली गई? जी, भाभी ने उसका अपमान करके उसे घर से निकाल दिया। तो हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भाभी को हमारे पेट से दुश्मनी है। अगर राधिका न रही तो हम खाएंगे कहाँ से? मैं अपने रूठे हुए प्यार को मना कर ले आऊंगा तलवार साहब, और एक दिन इसी समाज में उसे ऐसे रूप में पेश करूंगा कि दुनिया तंग रह जाएगी। बे सोचे राधिका को घर से निकाल कर तुमने मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर दी। अब कौन सी उलझन आ पड़ी है? बालें, राधिका नहीं जाती तो शायद राजा भी शहर छोड़ कर नहीं जाता, और होटल के लिए बच्ची की जमीन खाली कराने में राजा की मदद। ओहो, राजा 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 में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे में नहीं? बालें, तुम नहीं समझती, बस्ती वाले राजा को बहुत चाहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, उसे जरा समझाने से वो बस्ती खाली कर देते हैं। तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे? इसका इलाज मैं बता देती हूँ। बस्ती वालों के सामने तुम राजा बनकर जाना। हाँ, थोड़ी देर के लिए ही ये गर्दन सीधी कर ली थी।
हो सकता है डाली, हो सकता है। बीवी जी, वो राधिका की शादी के लिए कपड़े लेके बन रहे हैं ना, वो गांव से मंगाती है, मैं यहाँ से आपसे लेके भेज देती हूँ। ओहो, राधिका की शादी न हुई, किसी नवाब दादी की शादी हो गई, 2-3 हजार रुपए पहले ही लेकर गांव भेज चुकी है। पर बीवी जी, वो... अच्छा अच्छा बाबा, शाम को ले ले। मेरी अच्छी बीवी जी। डार्लिंग, बनठन कर अकेले कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, आजकल तुम्हारे याददाश्त को क्या हो गया है? जानते नहीं, लेडीज क्लब की तरफ से आज तुम से चांद का स्वागत किया जा रहा है। डार्लिंग, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, मैंने तो दो वक्तों से कह रखा है कि आज रात हमें स्वामी राजदान दत्त के यहाँ जाना है, रिलीजियस रिलेशनशिप है, कायम रखने चाहिए। डार्लिंग, ये भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि लेडीज क्लब की कोई भी मीटिंग मेरे बगैर नहीं हो सकती। तुम जाकर उनकी सेवा करो और मैं लेडीज क्लब। बाय डार्लिंग, कह दूंगा स्वामी राजदान से। ये लेडीज क्लब की खुशकिस्मती है जो प्रिंस चांद हमारे दरमियान है। इनका जन्म यही हुआ है, लेकिन इनकी शोहरत बाहर के मुल्कों में फैल गई है। इन्हें सुंदरता के लिए कई नाम मिले, कई मुल्कों ने ब्यूटी क्वीन का खिताब दिया है। इसके बावजूद अपनी शोहरत और इज्जत को ठुकरा कर वो अपने देश लौट आई। क्यों आई है आप इन्हीं से पूछिए। आइए प्रिंसेस चांद। मेरे हम वतनों, प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी जन्मभूमि पर जो मेरा स्वागत हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसके संबंध में कुछ कह सकूं, सिवाय इसके कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विदेश में जो
जो इज्जत और शोहरत मिली उसे ठुकराकर यहाँ चले आने के दो कारण हैं। एक तो ये कि अपना देश अपना ही देश है। मेरे यहाँ आने का दूसरा कारण ये है कि मेरा मंगेतर इसी मातृभूमि का एक सपूत है। हम उसे देखना चाहते हैं। वो नाचीज नहीं हूं और मुझे यकीन है कि यहाँ के कुछ लोग इस बदनाम चित्रकार को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन शायद भूल गए कि चित्रकार झूठ नहीं बोलते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताता हूं सच क्या है। प्रिंसेस चांद कोई खूबसूरती की मलिका नहीं, प्रिंसेस चांद किसी रियासत की राजकुमारी नहीं, बल्कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिंसेस चांद मेरे ही भाई के घर की एक नौकरानी। क्या? वही नौकरानी जिसको आपके संसार और समाज ने गम समझ कर टुकरा दिया था, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये नुमाइश का जमाना है, ये बहरूपियों की दुनिया है, जहां हर पल हर घड़ी सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, सच्चाई आपके सामने, झूठ को आप परख लीजिए। बीबी जी, आज इतनी देर? हाँ, तेरी भांजी की शादी में गई थी ना। बीबी जी, मुझे किस बात का गुस्सा? गांव में राधिका की शादी, कपड़े लत्ते के लिए 500 रुपए चाहिए। कदम कदम पर तू मुझे धोखा देती रही। गुलाबी, याद रख, मैं तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगी, कभी नहीं कहीं। गुलाबी, क्या बहू से तूने कोई झूठ बोला था? लेकिन मालकिन, झूठ बोलना तो मुझे बीवी जी ने ही सिखाया। उनके हुक्म से मैंने सारे घरवार से 100-100 झूठ बोले। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, जिस बात से घर में फूट पड़ी है वो भी झूठ है। बड़ी, अब तेरी समझ में आया दी? हे भगवान, मैं जाने इस घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। छोटे छोटे तमाशे तो बहुत हो चुके मालकिन, बड़ा तमाशा तो अब होने वाला है। कौन सा तमाशा? मैं क्यों बताऊं मालकिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा। गुलाबी, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा भाई इतना नीच हो गया है? नीच को नीचा दिखाना तो मुझे भी आता है, मैं भी देखूंगी तो घर की नौकरानी के साथ कैसे शादी करता है। लेकिन मैंने, ऐसा करने से हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी शिकस्त होगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, होश ठिकाने होते तो ऐसी बातें करते? मेरे होश ठिकाने हैं, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? तुम्हें होश में लाने की दवा, पिताजी की वसीयत। इसके मुताबिक हम दोनों भाई में से कोई अगर अपनी जात या बिरादरी से बाहर शादी करे तो उसे खानदान की तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन पिताजी को ऐसे वसीयत करने की जरूरत क्या है? जोड़े भाई होते भी राजा मुझमें जमीन आसमान का फर्क है, ये तुम जानती हो। पिताजी भी राजा की आंखों से अच्छी तरह बातें थे, वो जानते थे कि जिस रास्ते वो चल रहा है वो पद चलने की मंजिल को जाके मिलता है, इसलिए उन्होंने ये वसीयत लिखी ताकि उसे जिंदगी सुधारने का एक मौका मिल सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मौके को भी राजा ने अपने हाथ से खो दिया। अफसोस की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। क्या राजा इस वसीयत को जानता है? इस खानदान के सारे राज में दखल है। राजा तो राजा, इस बात का मां को भी नहीं पता। अब तुम ही बताओ, राजा और राधिका के मिलाप की खुशी उनको है या हमको? राजा की शादी होने पर इस घर की दीवारों से भी हमें राज छिपा कर रखना पड़ेगा। तुम भी अपनी तर्किश में कोई ना कोई तीर छुपा कर रखते। अभी एक तीर और बाकी है, उसे भी निशाने पर बैठना चाहिए। हो गया। अब किसी बच्चे को गोद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जायदाद की खातिर। माता जी,
अच्छा हो यानी तुम अपने कानों से सुन लिया, कभी कभी चोर भी बोलता है, हम चोरी करने को आता है। खून इतनी जल्दी क्यों बदल जाता है? बेटी राधिका। माँ जी आप? हाँ बेटी। आपने मुझे पहचान लिया? पहचान लिया मगर बड़ी देर के बाद। नहीं बेटी, मेरे पाप धोकर मुझे पाप के अधिकारी न बना। आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप तो माँ हैं। तुझे मेरे पाँव नहीं बल्कि मुझे तेरे पाँव धोने चाहिए। आज मैं इस बात पर एकाकार हूँ और तू राजकुमारी। आइए माजी आइए बैठिए। ये सब तो आपके बेटे की देन है जिसने मुझे एक सर्रे से सूरज बनाया। लेकिन बेटी अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो वो सूरज से जर्रा बन जाएगा। मैं आपका मतलब समझी? मैं समझाती हूँ बेटी। उम्र भर मैं मोती को अच्छा और राजा को बुरा समझती हूँ। अपने ही दिल के टुकड़ों को अलग अलग नजरों से देखती रही। देखिए तो आपने पहचान लिया ना राजा को? कितना अच्छा हुआ। अब मुझे आपके बहू के नाते से रोज आपके दर्शन हुआ करेंगे। बेटी तू कुछ और समझ रही है, मैं तो तुझसे दर्शनों का अधिकार छीनने आई हूँ। अगर तू राजा का बनना चाहती है तो तुझे राजा को भूल जाना होगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आपने ही सोचा होगा कि मैं एक छोटे घर की और नीच जात की लड़की हूँ जिसके आपके खानदान के काबिल नहीं। नहीं बेटी नहीं, बात तुम्हारी जात पात की नहीं बल्कि हमारे खानदान की है। राजा और मोती के पिताजी की वसीयत के मुताबिक अगर उन दोनों भाइयों में से किसी ने भी बिरादरी के बाहर शादी की तो उन्हें सारी जायदाद से बेदखल किया जाएगा। अच्छा तो आपने मेरे दिल की कीमत आधी जायदाद डाली है? नहीं बेटी नहीं, तेरे प्यार की कीमत है, अपनी ममता की कीमत डाली। राजा ने तुझे क्या से क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा। जब वो राजा घर से बेदखल होकर दर बदर ठीक मांगेगा तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? दुनिया तुझे इल्जाम लगाए, लोग तो यही कहेंगे एक लड़की एक खानदान की ईंट से ईंट बजा दी। मां जी क्या बलिदान औरत की ही तस्वीर में लिखा होता है? अगर ऐसा ना होता तो औरत को देवी के नाम से क्यों याद किया जाता? बोल दी मेरे बुढ़ापे के लाज रखी एक बार फिर से त्याग करके औरत जाति का नाम रोशन करी। बोल बोल देती माँ जी, गिर कर संभलना आसान होता है, संभल कर गिरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। राजा मोर राजा।
नशे में ये मत भूलो, मैंने तुम्हें प्रिंसेस चांद बनाया और आज राज शादी का हमारी शादी होने वाली है। शादी? शादी तो सिर्फ बेवकूफ लड़कियां करती हैं। मर्द औरत के हुस्न से खेलकर उसे बेवकूफ बनाना चाहता है, मगर वो कभी कामयाब नहीं होता। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? कोशिश तो कर रही हूँ, मगर मैं बनने वाली नहीं। वो राधिका जो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली थी, मर चुकी। अब तुम्हारे सामने प्रिंसेस चांद खड़ी, जिसके पास हुस्न है, जवानी है और जिसे समाज ने मल का हुस्न का खिताब दिया है। क्या मैं पागल हूँ जो इस खिताब को एक तस्वीरें बनाने वाले भुक्कड़ को भेंट कर मैं एक ही क्यों होकर रहूं? मेरे तो हजारों खरीदार हैं। मैं अपनी अदाओं से, अपनी जवानी से सारी दुनिया को गुलाम बना कर रहूंगी। मुबारक। किस बात की? आपकी शादी की हुजूर। आप हमें भी मुबारकबाद दीजिए। किस बात की? हमारी बनारी की।
मजाक के लिए आप सबको भी यही वक्त मिला था? हाँ, आपका मजाक है, मजाक तो हमारी गरीबी का उड़ाया जा रहा है। राजा बाबू, आप ही ने तो उस दिन कहा था कि हम लोग बस्ती खाली कर दें तो हमारे लिए खुले और हवादार मकान बन जाएंगे, और हमारे घरों में भी धूप छांव आया जाया करेगी। लेकिन जब हमने बस्ती खाली कर दी तो वहाँ पर अमीरों की अय्याशी के लिए आकाश को चूमता हुआ एक बहुत बड़ा होटल बनाया जा रहा है। मेरा विश्वास करो, वो मैं नहीं था काका, वो मैं नहीं था। तो वो कौन था? जरूर भैया होंगे, हामिरों ने मुझे ही दलील करना था। तेरे तो फिक्र न करो, तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे होटल में कोई देखकर नहीं कर सकता। आज तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। जब तक कस्तूरी का बच्चा उसी गोद में खेल रहा था, हमारी मौत हमसे खेल रही थी। हुजूर, अब रास्ते का कांटा हट गया। बच्चे को उस ठिकाने लगाया हूँ जहाँ फरिश्तों का गुजर भी नहीं हो सकता, और बच्चे का नाम और अता पता बिल्कुल बदल दिया गया है। लेकिन अगर कस्तूरी ने राजा पर सारा राज जाहिर कर दिया तो? हुजूर, जिससे प्यार किया जाए वो उसके सामने पाप का भांडा नहीं छोड़ा जाता, और फिर राजा तो ये समझता है कि कस्तूरी के बच्चे का बाप मैं हूँ। हुजूर, अगर कस्तूरी ने गलती से सच्चाई उगल भी दी तो हुजूर की इज्जत बचाने के लिए बंदा सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगा। वफादारी तो तुमसे खत्म होती है और सखावत आप पे। हुजूर, कहाँ है मेरा मुन्ना? ये मुन्नों का बाजार नहीं है कस्तूरी। मैं कहती हूँ, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे तुम्हारे बच्चे से क्या वास्ता? ये बात उस वक्त सोचनी थी जब तुमने पाप का बीज बोया था। तुमने राजा बाबू का भेष बदल कर मेरी इज्जत लूटी, मेरी दुनिया अंधेर कर दी, और अब अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए मेरा बच्चा भी उठा लाए हो। सॉरी राजा, तुमसे आंखें फेर ली और तुम बदला हमसे ले रही हो? अगर मैं चाहती तो राजा को साफ साफ बता सकती थी कि मेरे माथे पर कलंक करती का तुम ही लगाया है, मेरे बच्चे के पाप तो हो। मगर मेरी दुकान चुप रही, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि राजा के लिए, क्योंकि राजा भी इसी घर का बेटा है जिस घर में तुम जैसा शैतान पैदा हुआ है। कस्तूरी, नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, वरना मैं इस हवेली की इज्जत मान मर्यादा में आग लगा कर रख दूंगी। जब कोई किसी की ममता को गाली देता है तो ममता के जोश में आकर मां तेरी भी मर सकती है। राजा बाबू, आप हमेशा जाना चाहते थे ना कि मेरे बच्चे का बाप कौन है? मैं बताती हूँ, अब बताती हूँ राजा बाबू, सुनिए। राजा बाबू, मेरे बच्चे का बाप आप। इस घर में पुलिस आएगी? नहीं, इस दरवाजे पर पुलिस आएगी? जरूर आएगी, अखबारों में खबरें भी छपेंगी। भैया, ये दुनिया गुंबद की आवाज है, हर किसी का किया हुआ पलट कर उसके सामने आता है। अब वक्त आगे जब तुम्हारे सब पाप एक एक करके तुम्हें याद आएंगे। दौलत के बलबूते पर तुमने किस किस की इज्जत लूटी, कितने घर बर्बाद किए, किस किस का दिल तोड़ा। और ये मत समझना भैया कि अभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दुनिया को तुम्हारा असली रूप दिखाने में सबसे पहला हाथ मेरा होगा। नहीं राजा, मेरी बदनामी हमारे खानदान की मौत होगी। मुझे बचा लो राजा, मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। मेरा मत सोचो, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखो, बेचारी का कलेजा फट जाएगा, तुम्हारी भाभी विधवा हो जाएगी। मुझे बचा लो राजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी हवेली की इज्जत तुम्हारे हाथ है, मुझे बचा लो राजा, नहीं तो। भैया, कह उस दिन
वासना के पुजारी दो घड़ी की ऐश की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे थे। माँ का कलेजा नहीं फटेगा, भाभी विधवा नहीं होगी, इस हवेली की मान मर्यादा तुम्हारे ही नाम से रहेगी। कस्तूरी के खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। राजा, राजा मेरा भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान, राजा एहसान तुम पर नहीं उस समाज पर कर रहा है जिसके ठेकेदार तुम हो, लेकिन आप में अगर जरा सी शर्म है तो मुझे फांसी लगने के बाद भैया इस एहसान की कीमत चुका देना। कैसे? बस्ती वालों को आबाद करके और कस्तूरी के मुन्ने को अपने गले से लगाकर एक बदकिस्मत बच्चे को बाप का प्यार दे। डॉक्टर साहब मेरी बात यकीन कीजिए, ये खून मेरी आंखों के सामने हुआ और ये खून राजा बाबू। डॉक्टर, कस्तूरी का खून मैंने किया, ये रहा रिवॉल्वर। चलिए मैं दिखाता हूँ, डालो। देखिए जाने में बात की और तुम एम्बुलेंस नहीं फोन करो। यस सर। मिस्टर राजा, आपने कौन से हाथ से पिस्तौल चलाया था? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना चार्जशीट बनाइए, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ। चार्जशीट बनाने से पहले हमें बहुत सी मालूमात करनी होती है। मिस्टर राजा, आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, पुलिस को नहीं। इसमें धोखे की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि कस्तूरी का खून मैंने किया। Yes, Inspector Towle is speaking. Yes, sir. What, sir? I see, sir. Thank you, sir. Mr. Raja, असली मुजरिम कोई और है, आप जा सकते हैं। भैया, राजा बाबू अपनी संतान के साथ ऐसा सलूक, तुम भी अपना वादा इसको अपना अधिकार दोगे? तुम्हारा पाप अपने सर लिया भैया, लेकिन मेरा बलिदान बेकार गया है। पुलिस को मालूम हो गया कि तुम्हारा खून आपने किया है। राजन, इसको कस्तूरी के पास लेगा। मैं भी तो इसे कस्तूरी के पास भेज रहा था। भैया, तुम ये नहीं जानते कि कस्तूरी अभी मरी नहीं? कस्तूरी अभी मरी नहीं तो उसकी मौत दोबारा मेरे हाथों होगी।
करना मां, मैंने अपने खानदान के नाम पर कलंक लगाया। बेटा, इसलिए तुम्हारा क्या दुख? तुमने मैंने रास्ते पर डाला है। मुझे तो इस बात का दुख कि मैं बहू को जी से जी सुधार नहीं सकी। राजा बेटे, मैंने अनजाने में मैं जाने तुम्हें कितने से चुप हुई हूँ, मुझे क्षमा कर देते। माँ बच्चों से माफी मांगने की जन्म नहीं लेती। राजा, आज मुझे मालूम हुआ कि दूसरों के लिए जीना क्या होता। जो त्याग तुमने किया उनकी मिसाल शायद इस दुनिया में मिले। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राधिका, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे और राजा की शादी पर मौजूद नहीं हूंगा। माँ, पिताजी की वसीयत राजा के हवाले कर देना। उसका असली हकदार मेरा भाई राजा ही है। भैया, पिताजी की वसीयत के मुताबिक इस सारी जायदाद का मालिक सिर्फ आपका बेटा हो सकता है। इस सारी जायदाद का हकदार कस्तूरी का बेटा है। माँ, क्या तुम कस्तूरी को सीमा की जगह बहू बना लोगी? शादी का राजा, भैया खुश रहो, सदा सुखी रहो। तेरे चेहरे में होगा